अब हम लोग समरी पढ़ने जा रहे हैं. नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. दिस इज द पोएम व्हिच हैज बीन रिटन बाय डब्ल्यू आर्च ऑर्डेन. तो विस्टन हॉक ऑर्डेन के द्वारा लिखा गया यह एक पोएम है जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं. तो अब समरी में देखते हैं कि इसको कैसे लिखें. तो समरी चाहे आप प्रोज सेक्शन से लिखो या पोएट्री सेक्शन से, 5 मार्क्स का होता है. बट हाउ टू राइट, मैंने आपको बार बार बताया कि व्हाट डिड यू लर्न थ्रू द चैप्टर अकॉर्डिंग टू ऑथर. एज ए टीचर समवन टीच यू, जैसे टीचर के तौर पर कोई आपको पढ़ाता है, तो व्हाट इज द रियल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ऑथर यू रिसीव, एंड दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू एक्सप्रेस योर वर्ड इज नोन एज समरी. तो वही है संक्षेपक कि कवि के अनुसार उनकी जो भाव है, उस चीज को जो मैंने समझा, तो उस भावना को अपने ही भाषा में बयां कर देना इज नोन एज समरी. तो सबसे पहले अबाउट ऑथर लिखना है हमें. कह रहे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये पोयम का नाम है. हैज बीन कंपोज्ड बाय डब्ल्यू एच ऑर्डेन, यानी कह रहे ये जो पोयम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको लिखा गया है किसके द्वारा, डब्ल्यू एच ऑर्डेन के द्वारा. इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट टॉक्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन, यानी कह रहे कि इस कविता में जो कवि है बात किया है फ्रस्ट्रेशन का, व्हिच इज इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ. तो अब यहाँ पर कह रहा है इनहेरेंट क्या होता है. इनहेरेंट मीन्स होता है बाबू निहित होना. तो कह रहा है लाइफ इज ऑल्सो ए जर्नी, लाइफ भी क्या है, एक जर्नी है. तो एवरीबॉडी हैव टू फेस द प्रॉब्लम, प्रत्येक आदमी को एज ए ह्यूमन बीइंग समस्याएं का सामना करना पड़ता है. तो वही कह रहा है इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन, इस पोएम में ऑथर बात किया है फ्रस्ट्रेशन का, व्हिच इज इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, जो कि निहित होता है मानव जीवन में. फिर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर मैन इज मूविंग फास्ट टुवर्ड्स डेथ, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़े हुए हैं, ऑथर का कहना है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रहा है, ठीक उसी प्रकार से लोग भी तेजी से मर रहा है. नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो अभी अंत तक नहीं चलेगा. बिकॉज नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन एंड प्राम्स गो रोलिंग ऑन, ये फर्स्ट पैराग्राफ था. तो उसका ये सारांश है. तो अकॉर्डिंग टू ऑथर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रेफर टू द अराइवल ऑफ ओल्ड एज, करे जिस तरह से पेड़ से पत्तियां गिर रहा है, लोग भी अब ठीक उसी प्रकार तेजी से बूढ़ा हो रहे हैं, तेजी से मर जा रहे हैं. तो इस भाव को लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू ऑथर कवि के अनुसार मैन इज मूविंग फास्ट, ये जो आदमी है तेजी से बढ़ रहा है, मूविंग फास्ट किधर, टूवर्ड्स डेथ, टूवर्ड्स प्रीपोजिशन है की ओर, मृत्यु की ओर. Nothing will long last. तो हम nothing will long last का मतलब author बोला था nurses flower will not last. यानी कोई भी चीज नहीं है जो अंत तक चलेगा. It means that nothing will long last. कोई भी चीज अंत तक नहीं चलेगा. Still का मतलब फिर भी. Human life is going on. मानव का जो जीवन है चल रहा है. Because death, happiness is snatched by whispering neighbors. Explanation में हम लोग पढ़े हुए हैं. ऑथर का कहना है कि विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट हु प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, ये जो विस्परिंग नेवर्स है यह एक मैसेंजर ऑफ डेथ है, मृत्यु दूत है, हमारे बाएं भी है दाएं भी है, और ये करता क्या है, तो प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमें वास्तविक खुशी से अलग कर देता है. इट मीन्स दैट हैप्पीनेस इज स्नेच्ड, ये जो खुशियां हैं छीनी जाती है किसके द्वारा, बाय विस्परिंग नेवर्स. द नाइटिंगल इज डम, नाइटिंगल के बारे में बताया था ऑथर, यदि घर में किसी खास पर्सन की डेथ हो जाए तो उस घर का सामान भी लीफलेस वुड के सामान होता है, और एक ऐसा पेड़ जहां पत्तियां न हो वहां चिड़िया का बसेरा नहीं होता, नाइटिंगल भी डंब हो जाता है. तो ठीक उसी प्रकार हमारे रिलेटिव होते हैं लाइक अ नाइटिंगल. तो जब हरियाली ना हो, पेड़ में पत्तियां ना हो, तो नाइटिंगल क्या करता है, डंब कर जाता है, मुख हो जाता है. तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे, हु बिकम डंब टू सी द लीफलेस वुड, यू हैव टू से नाइटिंगल, एक ऐसा पेड़ जिसमें पत्तियां ना हो उसे देखकर कौन है जो मुख हो जाता है, गुम हो जाता है, तो ये नाइटिंगल है. तो वही ऑथर कह रहा है कि ये जो खुशियां हैं विस्परिंग नेवर्स के द्वारा छीनी जाती है. इट मीन्स दैट घर में किसी की डेथ होगी और वो मैसेंजर ऑफ डेथ हमको रियल डिलाइट से अलग कर देता है. तो इट मीन्स दैट हैप्पीनेस इज स्नेच्ड बाय विस्परिंग नेवर्स, द नाइटिंगल इज डम. लेकिन ये जो नाइटिंगल है, सिंगिंग बर्ड है, यह भी मुख हो जाता है. क्यों, एक ऐसा पेड़ जहां पत्तियां ना हो तो क्या वहां चिड़िया का बसेरा होगा, तो नहीं होगा. यदि आप एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल, पहले एक्सप्लेनेशन देखें तब जाके समरी आपको समझ में आएगी.
because summary is the saransha of the poem. There are lots of thought which has been given by the poet, and also we have to express on your words. That's why I'm saying you. आगे क्या कह रहा है? And stirring through the leafless wood. ऑथर का मानना है जो ट्रोल्स है विग्ड क्रिएचर्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड. ये दुष्ट आत्मा भटकता रहता है उस पर विहीन जंगलों में अपने भोजन के लिए. एंड एंजल विल नॉट कम टू हेल्प द पीपल. और ना ही कोई देवदूत आता है उसका मदद करने. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट लास्ट अंत में द पोएट सेज दैट कवि कहता है कि एंजल विल नॉट कम. एंजल मीन्स देवदूत. देवदूत भी नहीं आता टू हेल्प द पीपल. बिकॉज पोएम का लाइन है कि नाइटिंगेल इज डम एंड एंजल विल नॉट कम. और देवदूत भी नहीं आता लोगों का मदद करने. तो एंजल मीन्स दैट देवदूत. जब कभी समस्या होती है तो कोई देवदूत आता है क्या? तो बिल्कुल नहीं. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑल्सो दैट एंजल विल नॉट कम टू हेल्प द पीपल. ये एंजल जो है ये अभी लोगों का मदद करने नहीं आता है. और लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन था कोल्ड इम्पॉसिबल हेड. ठंडक मिलेगी जो कि असंभव है. और आगे है, आगे क्या है? द लिस्ट अ माउंटेन्स लवली हेड व्हिच व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस. इसका मतलब है कि मृत्यु के अंत क्षण में जब लास्ट डिस्ट्रेस होगा, तुम्हारी डेथ होगी, उस क्षण वरदान स्वरूप अगर तुझे कुछ नसीब होगा तो वह है व्हाइट वाटर. और ये व्हाइट वाटर कहाँ से आता है? तो ये पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां से. तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया है देखा जाए. हाँ, कह रहा है ओनली माउंटेन्स लवली हेड. कह रहा है ठंडक तो आपको मिलेगी लेकिन कहां? तो कह रहा है मात्र पहाड़ की प्यारी प्यारी चोटियां हैं. एंड इट्स वाटर, और इसका जो वाटर है पानी है वाटरफॉल व्हाइट वाटरफॉल सॉरी कह रहा है एंड इट्स व्हाइट वाटरफॉल यानी पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां से जो उजला पानी गिरता है could bless us, वही हमें वरदान स्वरूप मिल सकता है. कब? In our last distress. Last distress means end of life, death. जब आपकी मृत्यु होगी तो वह हो गया death. तो last distress में वरदान स्वरूप अगर कुछ नसीब होता है तो हमें पानी, दुश्मन ही क्यों ना हो, गंगा जल जरूर पिला देता है. तो इसलिए ऑथर का कहना है ठंडक तो तुझे मिलेगी जो कि असंभव है. आगे है लिस्ट ऑफ माउंटेन्स लवली हेड है, उससे जो उजला पानी गिरता है वरदान स्वरूप वही तुम्हें नसीब हो सकता है. लेकिन कब? द आवर लास्ट डिस्ट्रेस, जब हमारी डेथ होगी उस क्षण. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए तो काइंडली रिक्वेस्ट टू यू एक थम दे, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ समझ में आ रहा है. बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ फॉलोअर इन